नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज, सच्चाई के साथ। पूर्व सैनिक संगठन और आम जनता ने कोटद्वार में विशाल रैली और तहसील में धरना प्रदर्शन का किया आयोजन। कोटद्वार की जनता कोटद्वार में मूलभूत सुविधाओं के लिए लगातार मांग कर रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोटद्वार की जनता की मांगों की लगातार अनदेखी कर रही है। रविवार को पूर्व सैनिक संगठन के महेंद्र पाल सिंह रावत के आह्वान पर कोटद्वार में रैली का आयोजन किया गया, जो तहसील कोटद्वार में धरना प्रदर्शन में तब्दील हो गई। इस दौरान उपजिलाधिकारी कोटद्वार को बालन नदी के पुल का शीघ्र निर्माण, कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज का निर्माण व लालढांग चिल्लरखाल मोटर मार्ग के निर्माण सहित अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर विभिन्न पूर्व सैनिकों ने कहा कि भाजपा सरकार कोटद्वार क्षेत्र की अनदेखी कर रही है और विभिन्न मांगों के साथ तीन मुख्य मांगे उपजिलाधिकारी कोटद्वार के समक्ष रखी गई है, जिसमें विभिन्न मांगों को लेकर उनके द्वारा आगे भी इस आंदोलन को चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो कोटद्वार में एक उग्र आंदोलन किया जाएगा। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, सबसे पहले खबर को पाने के लिए।